अब चेक कर रहे हैं स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है तो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। सॉरी, मेरा ख्याल है आप क्लियर आ रही है। चलें ठीक है, मैं एक सेकेंड आपको दोबारा से बताता हूँ। इसको भी हम क्रॉस, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ना, जो आपका फर्स्ट लुक होगा ना, वो आपका ये वाला लुक है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लुक है। फैज़ आपको नज़र आ रहा है क्लियर? अच्छा, ये आपका फर्स्ट लुक है। आपने इधर आके क्या करना है, आपने इधर आके दबाना है फंक्शन F4। जब आप फंक्शन F4 दबाएंगे ना, ये इधर काफ़ी ऑप्शन होंगे। आप सबसे पहले आप आएँ इधर करेक्टर एक्टर के अंदर। ठीक है, जब आप एक्टर के अंदर आएंगे तो आपने इधर आके कोई भी एक्टर ले लें। एक हम ये ले लेते हैं एक्टर। ठीक है, और अभी हम सीन के लिए पीछे से एक सीन भी ले लेते हैं। जिन्हें आप कोई इशू तो नहीं, आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। जिन्हें इशू आ रहा है वो आप ये देख लें। हम इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, और हम इसको बड़ा कर रहे हैं, ये एडजस्ट कर लें। आपको एक चीज़ बतानी है कि मेन जो आपके सामने होगा ना डिस्प्ले, ठीक है ना, वो ये डिस्प्ले होगा। ये जो इस बॉक्स के अंदर चीज़ आएगी ना, एक ये बॉक्स के अंदर, वो जो आप रेंडर करेंगे, जो आपकी वीडियो आएगी वो इसके अंदर आएगी। जो भी चीज़ इसके बाहर होगी वो रेंडरिंग के अंदर आपके नहीं आएगी। ये आप देख लें, रेंडरिंग के अंदर आपके ये वाली चीज़ आएगी। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ जो सामने चीज़ें हैं फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे सबसे पहले ये लगा लें कि ये है आई टूल। आई टूल के ज़रिए होगा कि विजिबल हो गया आपका कोई भी करेक्टर या कोई भी चीज़ जो आपने विजिबल करनी है, विजिबल आपने नहीं करनी, वो आपको यहाँ पे शो होगी। ये इसके ऊपर दबाते हैं, ये नहीं हो रहा शो, और अभी दबाते हैं ये चीज़, हमें एक चीज़ शो हो रही है। ठीक है, सेकंड ये है कि ये वाला है कि आपने फ़्लिप करना हो। ठीक है, जो भी चीज़ आपने उसको फ्लिप करना है अगर, तो उसके लिए आप इसको दबाएंगे। ये देखें, हमारा करेक्टर भी फ्लिप होगा। ये देखें, आपको शो हो रहा है, ये फ्लिप हो रहा है, मतलब ये करेक्टर सिंपल ही है। वर्टिकल भी फ्लिप हो सकता है, ये देखें ऐसे ऐसे, और यहाँ के फिर हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। सेकंड ये है कि इसके अंदर ये चीज़ है, इसको आप दबाएंगे तो आपका करेक्टर होगा डुप्लीकेट। आपने दबा दिया, ये टाइम ले रहा। ये देखें आपका जो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखें आपका डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये काफ़ी चीज़ें, ये हद रेंडरिंग के लिए यूज़ होती है, ये चीज़ें होती हैं लिंक के लिए यूज़, और ये चीज़ें काफ़ी कुछ है। आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हम करेक्टर कहीं ओढ़ लेते हैं। क्रॉस किया यहाँ से मैंने, इसको भी किया, और मैंने दबाया फंक्शन F4। ये फंक्शन हमने F4 दबाया है, इसके अंदर हम एक्टर ले लेते हैं एक नीचे से। ठीक है, हम ये लेते हैं रोजे। ठीक है, हमने एक ये करेक्टर ले लिया। हम एनिमेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, एनिमेशन के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी कुछ गिवन है हमें पहले। ठीक है, आप एनिमेशन के अंदर आए हैं, एनिमेशन के अंदर जब हम आते हैं ना, तो हमें काफ़ी कुछ सिंपल पहले ही गिवन है, मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ एनिमेशन पहले हमें प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, हम आते हैं इधर, हम ह्यूमन में। ठीक है, ये चीज़ है फीमेल और ये है मेल। अब हमने करेक्टर सेलेक्ट किया मेल, तो हमने करेक्टर पीछे से G3 सेलेक्ट किया था। ये देखें, हमारा जो करेक्टर है इधर है G3 360। एनिमेशन में आए हैं, एनिमेशन में हमने आके फिर जाना है मोशन में, मोशन में हमने जाना है G3। हाँ, इसके अंदर हम आ जाएंगे तो इधर आएगा मेल और फीमेल। आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं? हम सेलेक्ट करना चाहते हैं मेल। ठीक है, हमने मेल सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है फ्रंट पोज चाहिए साइड पोज चाहिए। हम इसके अंदर जो फ्रंट पोज है ना, वो आप ये देखें, ये हमने फ्रंट पोज रख दिया।
अभी हम करेक्टर को यहाँ पर रख देते हैं, और एक सेकेंड यहाँ से हम करते हैं मूव जीरो फ्रेम। आपने ये करेक्टर को रख दिया, ये आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पे करेक्टर आपका आ गया, ये आपका बेसिक है। इसके बाद करेक्टर रख दिया, हम यहाँ से फिर बैक जाते हैं। बैक जाके हम लेंगे साइड पोज। साइड पोज में हमने लिया है, ये देखें हम सबसे पहले स्टैंड पोज आ गया। हम चाहते हैं कि हमारा करेक्टर चल के आगे जाए, ठीक है। सो हम नीचे आते हैं, ये मैं आपको मैं ऑटो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑटो गिवन है, हम मैनुअल भी सब कुछ कर सकते हैं। हम नीचे आए हैं, ये चेक करें, इधर वॉक का ऑप्शन होगा, हाँ ये आ गया वॉक। ये देखें हमारा करेक्टर यहाँ से आया, ये चलने लग गया। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी कुछ इसमें गिवन है, आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आपको ग्राफिक्स आती है या नहीं आती। बहुत से आप में से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें इलस्ट्रेटर नहीं आता, हमें फोटोशॉप नहीं आता, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप साथ साथ सीख लें, बेसिक लेवल अगर आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। फुल बेसिक है ये। ये देखें हम चाहते हैं ये फिर से वॉक करे, इसने वॉक कर लिया, मतलब ये देखें क्रैक ये हमारा चला है। अब हम चाहते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक चले, ठीक है। सो ये देखें ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक आया करेक्टर, ठीक है। हमने फ्रेम सेलेक्ट किया था, पहले हमारा फ्रेम था ज़ीरो जब हमने जहाँ पे इसको किया था, अब हम आगे आ गए हैं, ये इस तरह हो गई चीज़। अब भी हम जाते हैं पीछे, ये देखें ये हमारा आपने देखा काफ़ी तेज़ मोशन है, हम चाहते हैं इतना तेज़ मोशन ना हो। तो जो टाइमलाइन होगी ना, टाइमलाइन इसकी आती है फंक्शन F3 से। फंक्शन हमने F3 दबाना, हमारा ये करेक्टर है, हमने आना ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। और ये इधर आए मोशन, हमने आपने देखा था कि जो हमने मोशन सेलेक्ट किया था रोज, एक सेकेंड ट्रांसफॉर्म को बंद करते हैं, ये आ गया हमारा मोशन। वन सेकेंड, हम ये आगे आ गए हैं, इसको पीछे किया हमने, इसको हम छोटा करते हैं। ये हमने चेक किया, हम स्टार्ट के अंदर आए हैं, ये पे हमारा यहाँ पे मोशन था, ये देखें ये चल के करेक्टर आगे आ गया। अब हमने देखा कि काफ़ी तेज़ चल रहा है, हम चाहते हैं इतना तेज़ मत चले या ऐसा चले और इतने ही टाइम पे आए, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के ना ड्रैग कर सकते हैं। आप दोबारा वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसी चीज़ को, वहाँ पर जाकर क्लिक करें जहाँ पर मैंने किया था, आपको दिखाता हूँ। फंक्शन F4 दबाया हमने, ये हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे, ये दोबारा लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन, हाँ लगाने से पहले हमारा ये कि हमने उस चीज़ को सेलेक्ट करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी हम वॉक का लगा देते हैं। ये देखें आगे फिर चीज़ लग गई है, ये चीज़ लगी, हमने जो पहले फ्रेम रखा था ना इसका, हाँ ये रखा था। ट्रांसफॉर्म में आते हैं हम, ठीक है, हमने यहाँ तक पहले रखा था, हम चाहते हैं कि यहाँ तक चले। ये देखें ये जो फ्रेम है ना, पहले ये ज़ीरो फ्रेम था जहाँ पे हमने रखा था, और हम इसको उठा के आगे ले आए थे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो ये चीज़ है ना, ये उस टाइम तक ये इधर आए लास्ट पे, तो हम यहाँ से इसको करते हैं, इसको हमने आगे कर लिया, ठीक है। सो आप ये देखें अभी हमारी एनिमेशन थोड़ी स्लो हो गई होगी, स्टॉप करते हैं। अब हम चाहते हैं वापस मुड़ के जाए उधर, तो हम इसको फ्लिप करते हैं, ये देखें यहाँ पे आपका करेक्टर हुआ फ्लिप। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे सीधा खड़ा हुए, बैक आते हैं, फ्रंट पे आते हैं, ये स्टैंड करते हैं। हमने करेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है, या तो इसको आप आएँ यहाँ से उठाएं, या तो इसके ऊपर आके छोड़ दें, ये ठीक है। ये देखें सीधा हो गया, हम चाहते हैं वो वापस चल के जाए वापस उधर, उसी तरह बैक आए साइड पोस्ट में गए। साइड पोस्ट में हम जाके हमने ये चेक किया, किधर गए, हाँ लास्ट पे वॉक, ये देखें हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था करेक्टर, तो फिर इशू आ गया। ये हमने इधर करेक्टर सेलेक्ट किया, ये देखें ये फिर स्टार्ट होगी, ये देखें। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो करेक्टर है ना वो किस फ्रेम पे इधर आए, हमने जिस फ्रेम पे करेक्टर चाहते हैं ना कि हमारा
400 फ्रेम के ऊपर इधर आए, मतलब इधर किया हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स हैं, ठीक है, वो सेटिंग्स के अंदर की बनाए। यहाँ पे ये देखें 30 फ्रेम्स ऑफ 1 सेकंड। सो हम चाहते हैं कि हमारे जो 400 फ्रेम पे हो तो जो हो ना, तो हमारा एक्टर जो है ना, ये वाला करेक्टर हमारा वो इधर हो। सो हम इसको यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम आगे आए हैं, ये देखें आगे आ गए हैं, ठीक है, ये देखें इधर आ गए, इधर आके ये देखें ये चीज़ आ गई इधर पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि ये आके सीधा खड़ा हो जाए, स्टैंड पोज, ठीक है, स्टैंड पोज हो गया, और अब ये वापस इधर को आ जाए, ऐसे ये चीज़ हो गई है। अब आप हमारी एनिमेशन देखें जो हमने अभी सिंपल 2 मिनट में बनाई है। अभी हमने देखा इधर कोई लैग आया है, ठीक है, मतलब जब ये पीछे गया है ना मुड़ने से पहले, हाँ ये इधर जो 1-2 सेकंड के लिए हमने वो इसको पोज सेट किया था, इसका सीधा होने के लिए वो कुछ फ्रेम्स में हुआ था, तो कुछ फ्रेम्स के अंदर भी ये हमने आगे को आ गई थी ये चीज़। आपने देखा कि ये देखें दोबारा कि हाँ ये देखें, ये ऐसे जो शुरू में इसने वॉक नहीं किया और ये चीज़ आगे आ गई है, तो यहाँ पे हम जूम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जूम किया तो ये देखें ये जो चीज़ है ना, ये वाली यहाँ के ऊपर, यहाँ से भी आगे चीज़ तो जा रही है जो फ्रेम लगा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल फ्रेम था, यहाँ पे हमारा फाइनल फ्रेम था, हम चाह रहे थे कि ये चीज़ यहाँ से आए। सो हमने इधर क्या करना है, हमने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करें, इधर आकर पेस्ट कर दें जहाँ से आप चाहते हैं कि देखें पेस्ट। इसके दरमियान ये होगा कि आपका करेक्टर जो इधर है ना, इतने हिस्से में आपका करेक्टर स्टेबल होगा, हिलेगा नहीं, ये देखें स्टेबल हुआ फिर चला। मैं वापस दोबारा करता हूँ, ये देखें करेक्टर आपका चल के आ रहा है, ये देखें फुल क्लियर है यहाँ से, हाँ अब ये चीज़ है मेन, ये चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे, क्या बेसिक है, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ आएगी आप बात करना चाहें बात कर सकते हैं। अभी हम एक और चीज़ चाहते हैं, इसको हम यहाँ से करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं, हमें इसको सेव नहीं करना, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, फंक्शन F4 पे जाते हैं, हम इधर आते हैं सीन के ऊपर, सीन में आ जाते हैं, हम इधर ले लेते हैं बैकग्राउंड, हाँ ये हमने एक स्टेज ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारा एक्टर है, हम यहाँ पे डांस करवाते हैं उन्हें सिंपल, कौन सा एक्टर लूँ, यहाँ पे मैं एक्टर ले रहा हूँ, एक सेकंड शिफ्ट ऊपर, डांस के लिए मैं कौन सा भी करेक्टर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये देखें हमने ये एक्टर ले लिया, इसको भी एनिमेशन में जाते हैं, ये हमारा G3 करेक्टर है, ठीक है। अब हम इसको भी पहले स्टैंड पोज में कर लेते हैं, स्टैंड पोज में हो गया, अब हम चाहते हैं हमने इसे डांस करवाना है, सो इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, इधर आएंगे हम ह्यूमन में, ह्यूमन में आके इधर काफ़ी ऑप्शंस हैं, इधर हम ये ले लेते हैं साइड पोज ले लेते हैं, साइड पोज में इधर काफ़ी ऑप्शन हैं, इधर डांस का ऑप्शन नहीं है, डांस का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर होगा कि, स्टैंड वॉक वॉक्स के,
जी देखें डांस का, ये हमारा एक्टर जो है करेक्टर को डांस कर रहा है। पीछे आप कोई भी साउंड लगा दें, कोई इशू नहीं है, आप पीछे बैकग्राउंड पे आपको साउंड लगा देते हैं कोई सा भी। और ये कर रहा है यहाँ से, ये अल्लाह हाफिज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब सैल्यूट कर रहा है इधर। ये देखें फिर इधर काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने गिवन दिया हुआ है। इमोशंस में आते हैं, ये एंग्री इमोशन आ जाते हैं, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है। और एक हम सीन और ले लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लासरूम का सीन नहीं है, हम यहाँ से एक सीन पिक करते हैं। सीन हमने पिक किया ये वाला, ये वाला हम सीन एक ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। वो ये हमारा एक्टर है, करेक्टर के अंदर हम आके ले लेते हैं। ओके ओके, हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको करेंगे छोटा, ये देखें यहाँ से आके हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। और ये देखें इसे हो रहा है, ये सीन, मतलब ये सीन के अंदर आ रही है ये चीज़ पूरी। और यहाँ से हम इसको करेंगे ऊपर, ठीक है, और यहाँ से ये वाला आप दबाएँ के आप जूम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, हाँ ओके हो गया। ये वाला सीन नहीं ले लेते हैं, इसलिए एक सेकंड हम दोबारा लेते हैं करेक्टर। आवाज़ काफ़ी कम आ रही है ब्रो, सबको इशू आ रहा है वॉल्यूम का। और यहाँ से हम इसको करेंगे ऊपर, वॉल्यूम का देखें कितने इशू आ रहे हैं। ये देखें हम इसको रखते हैं इधर सामने, इसको यहाँ से रिमूव ऑब्जेक्ट करते हैं, ये कोई इसके ऊपर इतनी लगी ये चीज़। और हाँ अब मेन चीज़ है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये एक्टर है हमारा, ये रूम है, एक ऑफिस रूम है, ऑफिस रूम के अंदर हम, मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये आप देख रहे हैं कि आपका एक्टर जो है वो है पीछे करेक्टर, और ये चीज़ आ गया। आपने यहाँ से करना है कि ये आपने एरो रखना है ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके ये चीज़ आपने करनी है ऐसे, इसको नीचे को ड्रैग करना है, ठीक है, ऐसे ही आपकी चीज़ आगे आ जाएगी, ये चीज़ पीछे जा रही है, ये चीज़ आगे आ रही है। इसके 3D व्यू भी आपको अवेलेबल होगा, ये आप यहाँ पर क्लिक करें आके, ठीक है, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, बैक लेके जा सकते हैं, ये आपको 3D एक व्यू दे दिया गया, ठीक है। हाँ अब ऐसे रखा है, ये चीज़ आपने देखी है। अब हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम चेयर को उठाते हैं, इधर रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो करेक्टर है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और हम फंक्शन F4 दबाते हैं, एनिमेशन में आते हैं, एनिमेशन में हम आके इधर इसको करते हैं थिंकिंग। ये देखें हमने लगाया है, मतलब ये कुछ सोच रहा है इधर, ये इधर लग गया। इसके बाद हम करते हैं, आते हैं मोशन के अंदर दोबारा, ओके,
अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिन्हें कोई इशू है ग्रुप के अंदर वो आप मैसेज कर दें, वो मैं साथ ही वहाँ से आपको बता दूंगा। क्योंकि इधर ये है कि मैं आप लोगों से काफ़ी तेज़, मेरी वीडियो है, मैं आपसे कम से कम भी 10 to 50 seconds आगे हूँ, ठीक है, लाइव के ऊपर आपको देर से लाइव आ रही है। अच्छा, हम यहाँ पे मोशन लेते हैं, मोशन के अंदर जाते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में हम फिर जाके मेल लेते हैं और फ्रंट लेते हैं, फ्रंट के अंदर स्टैंड पोज करते हैं, मतलब स्टैंड पोज हो गया इधर, और यहाँ से हम चाहते हैं मुड़ जाए, वापस मुड़ गया। अब हम चाहते हैं कि इधर आए, ये 121 फ्रेम्स हैं इधर, अब हम चाहते हैं कि 150 फ्रेम्स तक ये आए इधर चल के, ठीक है। अभी हम यहाँ से वॉक ऑप्शन लगा देते हैं, पहले साइड पोज, 1 सेकेंड, 121, 121 के ऊपर आते हैं नीचे वॉक, ये देखें हमने ये ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया, ये चीज़ चल रही है, फिर हम लगा देते हैं, हाँ 249 फ्रेम्स तक ये इधर आएगा चल के। अब ठीक है, अब 249 फ्रेम्स पर हमने इसको इधर ले आए, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको घुमा दिया, यहाँ पे आके फिर हम इसको स्टैंड कर देते हैं, स्टैंड पोज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फ्लिप करते हैं, ठीक है, फ्लिप किया इसको, फ्लिप करके अब हम चाहते हैं कि फ्लिप करके ये पीछे हो, ठीक है, आपने ये देखा यहाँ से थोड़ा सा पीछे हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं शिफ्ट पोज, ये देखें इधर बैठ के हम बैठ करते हैं, 1 सेकेंड, हाँ शिफ्ट पोज पे बैठ गया, हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये देखें ये चीज़ चेक किया आपने, यहाँ पे आके बैठ गया। अब हम पीछे से चलाते हैं, 1 सेकेंड, अभी हमने देखा तो ये ऑप्शन आ रही है, ये देखें ये ऐसे हुआ, हम फ्रेम्स थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये देखें यहाँ से अभी हम चाहते हैं 260 के ऊपर ही ये बैठ जाए, ठीक है, 260 के ऊपर आएगा दोबारा, और हमने इसको 260 के ऊपर ही इधर बिठाना है, ये अब चेक करें, ये देख रहे हैं आप जो बीच में लैग आया था, अभी हमने इसको सही किया, ऊपर किया नीचे, ऊपर नीचे, ये देखें यहाँ से बैठ गया, यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे बैठ के ये जो फिर है ना हमारा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, अच्छा रिफ्यूज, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये बैठ जाए, मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने रिवर्स कर दिया था, तो मेरे ये ऑप्शन आ गया, एक सेकंड, 260 पे जाके, उसके बाद फिर ये क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्वेश्चनिंग हमें देखना है ऐसी है, और ये आया 260 पे, हम चाहते हैं 260 पे बैठा रहे, कब तक बैठा रहे, 275 फ्रेम तक, 275 फ्रेम तक ये बैठा रहे, 275 फ्रेम तक ये बैठ गया, 283 फ्रेम तक हम चाहते हैं ये खड़ा हो जाए, खड़ा होने के लिए फिर हम वहीं पे जाते हैं मेल पे, स्टैंड पे, और स्टैंड पोज कर देते हैं, ये खड़ा हो जाता है हमारा, ठीक है, और ठीक है, और फिर हम चाहते हैं ये हमारा एक्टर जो है चले ना चाहे, यहाँ पे हमारा वॉकर है, ठीक है, और हम इसको उठा के फिर इधर ले आते हैं, ठीक है, आप ये देखें जो हमने यहाँ पे एक एनिमेशन बनाई थी, आप ये देख रहे हैं कि वही मसला आ रहा है, हमने फ्रेम की सेटिंग नहीं की थी, ठीक है, जब ये सोच रहा था हमने फ्रेम की सेटिंग हमने करनी है, ऐसे ही में क्या है,
ये हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें आए हैं ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में आके हमने इसको करना छोटा, ये हम आते हैं पीछे, ये इस फिल्म को हमने लाना है इधर, ये देखें अभी ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा आ गया, फिर सोच रहा हूँ सोच रहे एक्टर हमारा ये वापस चलने लग गया। ये आपने इधर रखना फ्रेम्स ट्रांस, इसका ध्यान रखना, ये बैठ गया, ये खड़ा हुआ, ये चल गया, ये सारा कुछ फ्रेम्स आपने साथ साथ चेक करनी है। ये आपका जो है ये बेसिक इंट्रो है, अगर किसी को भी कोई इशू है इसको लेके यहाँ पे, यहाँ तक कोई भी इशू है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को भी किसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो आप करें ताकि मैं फिर आपको रिप्लाई करूँ। कोई इशू है तो मुझे साथ साथ रिप्लाई करें। हाँ कोई इशू है तो आप बताएं, अगर नहीं इशू तो भी बताएं, फिर हम इस लाइव चैट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सारा आपका, बाकी आपको कोई भी मसला हो इसके अंदर किसी किस्म का भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप आईडी भी गिवन है नीचे, अकाउंट्स भी गिवन है, जहाँ पर चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर लें। ओके फिर हम लाइव स्ट्रीम अपनी ख़त्म करते हैं, बाकी बेसिक इतना ही था, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करते हैं।